बताना भोजपुरी। बहुत बेहतरीन फलूदा कुल्फी बा, इतना बेहतरीन कि एक बर्नर नहीं है। क्या बात है। और बनारस कैसा ना? बेहतरीन जगह। अच्छा। शांति प्रिय जगह भाई, हर कोई के आवे के चाहिए, एक मरतबा काशी जरूर घूमे के चाहिए। केशों के पान भंडार पे जो कि पूरे दुनिया भर में बहुत ही चर्चित है, केशों का पान विशेष रूप से इनके कत्थे के लिए जाना जाता है। और आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़े बदे आए ना, उनका देखा तो तस्वीर ये दिखाई पड़ता हो, और ये राजेंद्र जी के संगे हो ना। तो राजेंद्र जी बताओ एक का कहानी है, कैसे मोदी जी से तुम्हारा मुलाकात भई लल भोजपुरी में बताई ज्यादा मजा आई? भैया ऐसा ना हो कि जैसे आप ये वक्त आए हैं यहाँ पर, जो तो लोगों का जो तो मिजाज का जो टेस्ट करने के लिए, तो मोदी जी जब पहली बार चुनाव लड़लन तब बनारस का स्वरूप हो जनता का, तो तमाम एंगर लोग जो तो ना करके लोगों के विचारों को जो तो समझा तलन, तो आए हमारे यहाँ भी तो कहे भैया यहाँ पर से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मैं पहला व्यक्ति था, मैं कहा कि मैं एक सांसद का चुनाव न करके एक प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहा हूँ, यदि मोदी जी यहाँ से जो तो मोदी जी आएंगे उसमें कहना क्या, डरने क्या बात है? यहाँ क्या होगा, यहाँ लड़ाई हो रही है रविदास मल्होत्रा और राजनाथ जी में? अभी तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, माहौल ठंडा है थोड़ा, अभी गर्मी नहीं पकड़ पाया। गर्मी कैसे पकड़ी? पकड़ेगा धीरे धीरे रविदास मल्होत्रा जी। दुकान पे अगर मामला ना गरमाया तो फिर कहाँ गरमाए? अभी गरमाएगा भाव जी, थोड़ा समय लगेगा, हफ्ते भर के अंदर अंदर हो जाएगा, फिर आइएगा पूछने, फिर बताऊंगा बड़ी आप, फिर बताऊंगा। अरे रिजल्ट नहीं बताएंगे, होने वाली गर्मा गर्मी को बताएंगे। चुनाव के बारे में तो ये है कि मोदी लहर तो चल ही रही है, 100% चल रही है। जलते हुए अंगारे तो पथ भी दिखा देते हैं, जलते हुए अंगारे तो पथ भी दिखा देते हैं, मुझे डर है राख में छुपे हुए अंगारों से, जो दिखते नहीं मगर पांव जला देते हैं। अंगारे को पहचान लिए? 100%। जय श्री राम। अयोध्या के रहने वाले? अयोध्या के रहने वाले। जी जी। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या कितना बदला है ये राम मंदिर के बाद? बहुत बदला है। कैसे? चौरमुखी विकास है, टूरिस्ट वहाँ लाखों की संख्या में पड़े हैं, अच्छा विकास हुआ है। अयोध्या आके आप देखिए, स्वयं देख लीजिए। विपक्षी तो बहुत गाली दे रहे हैं, कुल काम खराब बैलो सर्वासनी, लोग झूठे जात हुआ। विपक्ष यही करके तो अपना समापन कर चुका है, यही करके तो विपक्ष आज इस स्थिति में है। बीजेपी जीत रही है, भाजपा जीत रही है, एकदम 400 पार। 100%। अरे वो कहते रहे, वो हर बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर बार पार होता है ना। नहीं, नहीं वो खाए बिना मर जाएंगे। क्यों रिपब्लिक जो इस तरह बोल रहे हैं? अच्छा, सर गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। जी हाँ, गठबंधन का मतलब रियल में गठबंधन करो। अच्छा। ये तो सोचे थे अच्छे लोग हटा के बुरे को लाने के लिए। हाँ। चोर चंडाल के अलावा क्या है वो लोग? अच्छा। हाँ, मोदी के बताए तो आते एक शिकायत, एक पैसे की शिकायत बता दीजिए। जिस जो बेचारा रात दिन मरने के लिए दौड़ रहा, भाग रहा, क्या बनाया उसने? है तो उस आदमी का भारत का वो दिन बुरा है अगर मोदी ने चुने तो। हाँ, भारतवासियों का मतलब क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। हाँ मतलब कि मोदी जी हम तो क्या 100 वर्ष जिंदा रहे, 100 वर्ष वही प्रधानमंत्री रहे, तभी देश का कल्याण, नहीं यहाँ अनपढ़ों का देश है। जी हाँ बिल्कुल, क्या है पढ़ा लिखा जो है वो अनपढ़ है यहाँ। हाँ जी हाँ, पढ़ लिख के अनपढ़ है ससुरे, जब मोदी जी को कह रहे हैं ऐसा। पीडीए नहीं सर, वो चाहे पीडीए चाहे एडीए बना दे, आएंगे मोदी। मुख्तार अंसारी के मरले से बहुत फर्क पड़े वाला हो सर। देशद्रोही कभी आगे बढ़ा है, किसी को बढ़ाया है? ये सब देशद्रोही नहीं थे, क्या थे आप बताओ? लूट लेना, पाट लेना, मोदी ने किसका लूटा है? इनको मारना, उनको करना, अरे अब सर क्या कहूँ, अब आप तो खुद ही जान रहे हैं। ये सब चोर चंडालों की नगरी है ससुरों की, समझ रहे हैं? इनको तो क्या बताओ, जहन्नम में भेजना चाहिए। ये मोदी अगर होते ना तो फिर भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं तो ये मुसलमान मारे जाते सर। सही कह रहा हूँ? हाँ मतलब इन द सेंस सर, इस मजाक तो कह रहे हैं कि वो तो रॉबिन हुड थे, गरीबों के मसीहा थे। रॉबिन हुड चोर हुड थे सर, चोर हुड। आप पता कर, एक आध मुस्लिम कलामा कौन कहेगा आप बता दीजिए? किसी को लूटना, फाटना, अति ये सबको तो जिंदा गाड़ के गलती हुए मार दिया,
इनको डालो हाथ काट के खड़े चौराहे करना चाहिए, मरे भी नहीं सर, सही कह रहा हूँ आपसे, ये क्वालिटी है। नहीं नहीं सही फैक्ट है सर, तब जाके एक नजीर पेश हो देश में। योगी जैसा आदमी इस प्रदेश को चाहिए, मोदी जैसा आदमी इस देश को चाहिए, कम से कम सर 50 बरस, 50 बरस हिंदू हज से हिंदू मैं से मुस्लिम दोनों मिलकर हम बने हैं ना सर। अब बताइए तो जब हमको आप अलग करोगे कौन सी इंसानियत है सर? का यार का कर दुआ तुम, माफिया सीधा हो गया ना कुल? माफिया लोग सभी लोग अंडरग्राउंड अपना काम ही बदल दिए। तो आप क्या करत हुआ? आप क्या करत हुआ? आप जो भी उनके समझ में आएगा, ये क्या नाम है, दूसरा रोजगार कर लिए, जमीन का कारोबार ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, अब वो कुल वसूली फिरौती बंद हो गई? वो तो एकदम इस राज में तो एकदम बंद। अच्छा, अब कोई कोई से पैसा नहीं ले सकर? ना। छेड़खानी? छेड़खानी भी एकदम बंद। बंद तो मतलब अब चिंता फिकर नहीं हो? नहीं, हम लोग के होटल पे खाते थे। हाँ। जब योगी राज नहीं था तो खाने के बाद में रात में पीने खाने वाले झगड़ा करते थे, डेली एक रोज से हो जाता था। अच्छा, लेकिन इसमें चाहे कोई भी हो पैसा सभी लोग देते, झगड़ा नहीं करते, ये बहुत बड़ा सुकून है योगी राज। कहो चौहान साहब, झगड़ा अब कोई नहीं करा तो यार खाना फ्री में कोई नहीं खा? ये संसदीय बोर्ड हमारा फैसला करेगा। वो तो हम समझ गए यार, कि किसे किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना है, ये आपकी पत्रकार साथी समस्या नहीं है। नहीं, ये नहीं, मेरे घर की समस्या है। आप अरे भैया घर नहीं, नहीं, नहीं ये तो भाई देश की समस्या यही तो है। मिलना ना मिलना, अरे भाई पहले जब योग्यता समझा जाएगा टिकट, अरे तो चुनौवा जब जीतबे ना करबा तो देश का समस्या कैसे सुलझेगा? इसका मतलब ये है कि पूरे देश के जीत का ठीका आपके पास है? मेरे पास नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भैया।